प्रतिष्ठा उसमें ही मैं काम कर रहा हूँ, तो उसी का लुक है ये। इसमें मैं गुरु का कैरेक्टर कर रहा हूँ। मुझे एक बच्ची मिलती है, मैं नदी से बाहर निकलता हूँ, मुझे एक बच्ची मिलती है, उसके अंदर दिव्य शक्ति होती है, मतलब खुद ही उसके अंदर कुछ शक्तियाँ होती है, और उसे मैं पूरा तरीके से मतलब गाइड करता हूँ। तो उसको मैं नृत्य सिखाता हूँ, उसे मैं शास्त्र दंड सिखाता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं उसे सिखाता हूँ। चैलेंज तो है, पर इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि पहले भी मैंने ऐसा एक कैरेक्टर किया है, विष्णु पुराण एक VR फिल्म्स का शो आता था जिसमें मैं परशुराम बना था, तो उसमें भी पूरा यही गेटअप था और ऐसा ही कुछ था। कंट्रोवर्सी तो होती है, लेकिन मैं तो ऐसा कुछ नहीं करूँगा, तो देखेंगे वो क्या होता है। एक्चुअली मैं अभी जो काम कर रहा हूँ, मैं 6 साल बाद, मैंने लास्ट फिल्म मेरी की थी खेले हम जी जान से, आशुतोष गुवारी करके, उसके बाद मैंने 6 साल का ब्रेक ले लिया था। तो अभी मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि अजय जी ये फिल्म कर रहे हैं, तो एक बार आके फिल्म की स्टोरी सुन लो। तो उन्होंने मुझे एक 1 लाइन स्टोरी बताई, जैसे मैंने आपको बताई, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और चैलेंजिंग कैरेक्टर है, तो इसीलिए मैंने ये चुना। मेरी पहली जो फिल्म थी वो थी लगान, जिसमें मैंने टीपू का रोल किया था आमिर खान के साथ में। उसके बाद मैंने हंगामा की, प्रियदर्शन की, उसके बाद स्टंट, फिर तौबा तौबा, तौबा तौबा, मातृभूमि एक फेस्टिवल के लिए फिल्म की थी, एक फिल्म की थी साचा, जो बहुत अच्छी फिल्म थी, वो भी एकदम अलग कैरेक्टर था उसमें भी। तो ये सब किया है अब तक। इसके ऊपर तो मैंने अभी तक फिलहाल कुछ किया नहीं है, बट जैसे फिल्म की शूट चालू होगी उसके पहले मैं सारी चीज़ें जान लूँगा कि मुझे किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं। इस फिल्म में 2000 बच्चे, अच्छा। तो बच्चे अगर अभी हम लोग अभी अगर शूट करेंगे तो बच्चों पॉसिबल नहीं है स्कूल वगैरह के लिए, तो जून या मई में छुट्टियाँ होती है बच्चों की, तो उस वक्त शूट करेंगे, क्योंकि 2000 बच्चे हैं एक साथ, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरा नाम अमीन गाजी है। अमीन गाजी जी, आपने आपके अगर बात करें तो आपने तिलक लगाया है, जैसे आपके धर्म में कोई लोग देखेंगे तो कहेंगे आपने तिलक लगाया है, तो उसको तिलक लगाना ये नहीं मानते, क्या कहना चाहोगे? मैं तो ऐसा है कि एक्टर हूँ, और एक्टर को अपनी लाइफ में कुछ भी करना पड़ता है, कुछ भी मतलब कुछ भी करना पड़ता है, तो मैं वो सब चीज के लिए रेडी हूँ, और मैंने अभी तक किया भी है, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पहले अच्छा अच्छा ओके, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो झांसी की रानी जो कैरेक्टर है बहुत स्ट्रांग होता है, क्या कहना चाहेंगे, कितना प्राउड मोमेंट आपके लिए ये कैरेक्टर का? अच्छा, और इससे पहले आपने क्या काम किया, कौन से प्रोडक्ट में काम किया? मैंने इससे पहले एक एड किया था। एक्टिंग फील्ड में आने का क्या मतलब, आपको इंस्पिरेशन मिला, कहाँ से आपको लगा कि आपको एक्टिंग में आना है? मेरी ख्वाहिश थी। और पापा पापा मम्मी फादर मदर कितना सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में आपको? बहुत। अच्छा, और स्टडीज कर रहे हैं कि पढ़ाई क्या कर रहे हैं आप? मैं 6 में। अच्छा, और क्या क्या स्किल्स आपने, आपने कोई ट्रेनिंग लिया है एक्टिंग में या कुछ ट्रेनिंग लिया है? तो जो आपने ऐड किया था, तो ऐड का अनुभव बताइए, जब पहली बार आपको ब्रेक मिला था तो कैसा एक्सपीरियंस था पहली बार ऐड में काम करने का? बहुत एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। अच्छा, और आगे चल के कोई और प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं इसके अलावा, कौन से प्रोजेक्ट? अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि आप कितना फॉलो करती हैं ये जो कैरेक्टर है, ये एक स्पिरिचुअल कैरेक्टर है, आप शोज देखती हैं, टीवी शोज देखती हैं, कौन से शो देखती हैं, क्या कहना चाहेंगे, कौन से शो देखती फॉलो करती हैं? जी, मेरा नाम अजय ननवाना है, और इस मूवी जो का नाम है प्रतिष्ठा नाम है, प्रतिष्ठा एक स्टेबिलिटी है मेनली, और ये गुरु और शिष्य की परंपरा जो हमारे पुराने समय में शास्त्रार्थ चलते थे, उस पुराने समय में जो आविष्कार हुए थे एजुकेशनल, वो लेके हमने इस थीम को बनाया है। एंड देन लड़की का उत्थान इसमें आपको नज़र आएगा कि एक लड़की किस तरह मतलब अपने आप में एक संपूर्ण शक्ति होती है, जो नारी का रूप होती है, वो आप देख सकते हैं इस फिल्म में जी। और इस बच्ची का क्या किरदार है, क्या कुछ कहना चाहिए? मेन बच्ची का किरदार जो मैं आप देख रहे हैं, ये काफ़ी समय से मतलब मेरे साथ जुड़ी हुई है, और आप मैं कह सकता हूँ कि इसीलिए आपको कि
ये जो अभी तो शायद आपके सामने ये थोड़ा शाय फील करी क्योंकि आपके सामने फर्स्ट टाइम आई है, ये इसका अभी ट्रेनिंग चल रहा है, क्लासिकल का ट्रेनिंग ले रही है प्रॉपर से, और एजुकेशनल का भी इसका जो एक्टिंग का भी ट्रेनिंग चल रहा है इसका। तो इसका जो एक किरदार है वो एक लड़की का है जो जिसका नाम है प्रतिष्ठा, वो एक शिव की पुजारण है। जैसे कि आपने सत्यम शिव सुंदरम देखी होगी, जैसे जाती है तो वो शिव का बड़ा आराध्य देव और इस तरह से करती है, क्योंकि एक ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लेके भी फिर मतलब वापस वो उस और रिवर्स होती है। तो वही कैरेक्टर इसका है कि ये लड़की जो है एक शिव को प्यार करती है, और इसका मम्मी पापा भाई बहन और सभी कुछ यही है, और इस शिव को पूरी तरह समर्पित है। और ये गुरुकुल में जो इसका गुरु ले जाता है वो इसको शस्त्र विद्या सिखाता है, शास्त्रार्थ में निपुण करता है, अध्ययन में निपुण करता है, और सभी मतलब जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसके पूरा पारंगत करता है। अमीन गाजी की बात करें तो अमीन गाजी का किस प्रकार का किरदार है इस फिल्म में, और क्या कुछ कहना चाहेंगे अमीन गाजी के बारे में? अमीन गाजी को कहें तो अमीन गाजी का मेन लीड में कैरेक्टर वही एक व्यक्ति है जो मतलब प्रतिष्ठा नाम की लड़की को एक संपूर्ण जो शक्ति का रूप बनाता है, चाहे वह आप अध्ययन में ले लें, चाहे शास्त्रार्थ में ले लें, या चाहे किसी और क्षेत्र में ले लें। तो अमीन गाजी एक मार्गदर्शक है प्रतिष्ठा का, ये आप कह सकते हैं। आज जो फोटो शूट हो रहा है उसका थीम क्या है, बेस क्या है आज? नहीं, फोटो शूट नहीं, एक्चुअली आज मुहूर्त था तो मुहूर्त के साथ ही हमने फोटो शूट किया इसका। इसका बेस ये है कि अभी तक इस फिल्म के लिए हमने लोकबाग जो अभी तक आपने देखा हुआ इंडस्ट्री में कि एक रिवर्सेबल चीज़ नहीं चली, तो मैंने एक इंडस्ट्री को नया मोड दिया है कि लोकबाग जो बाद में करते हैं वो मैं पहले कर रहा हूँ। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा फिल्म बनने के बाद लोग बाग अपना पोस्टर लॉन्च और ये करते हैं, तो अभी मैंने पोस्टर लॉन्च पहले किया है इसका। उसका रीज़न ये कि इस फिल्म के अंदर जो है 2000 बच्चे काम करेंगे, और जो मुंबई ही नहीं, मुंबई के अलावा दूसरे शहरों में इसके ऑडिशंस होंगे। इस ऑडिशंस के अंदर चार, इस फिल्म के अंदर चार गुरुकुल दिखाए गए, उसमें वो व्यक्ति बच्चे काम करेंगे। कब लोकेशन की बात करें तो क्या लोकेशन है, और कब ये शूट पे जाएगी, फ्लोर पे जाएगी ये फिल्म? लोकेशन आपका राजस्थान उदयपुर में रहेगा, पूरा सेटअप है हमारा अभी, तो अभी नाम तो नहीं दे सकता हूँ कि क्योंकि अभी मेरा बातचीत चल रहा है उनसे उस सेटअप का, बट ये आपको शहर का नाम उदयपुर बता सकता हूँ मैं। तो कब तारीख क्या फ्लोर पे जाने की? इसका जो हम ट्राई कर रहे हैं, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इसका शूटिंग जल्द से जल्द मई और जून में मतलब हम करें, क्योंकि उस समय हमें वो बच्चे अवेलेबल होंगे जो हमें चाहिए। क्योंकि ये पूरी जो थीम है और ये पूरी जो परिभाषा है फिल्म की, ये पूरी बच्चों पे आधारित है, और ये बच्चों की फिल्म है। इसके अंदर आप देखेंगे एक नया आयाम लेके आए हैं हम, उसमें आप डांस भी बच्चे ही करेंगे, सिंगिंग भी बच्चे ही करेंगे, और एक्टिंग भी बच्चे करेंगे। अभी तक आपने बड़े बड़े कहते हैं कि सिंगर्स को पर्दे पर गाते हुए देखा होगा, लेकिन आज के युग में छोटे बच्चे जैसे कि आप डियर लिटिल चैंप्स और ये देते, तो उन बच्चों का एक मौका नहीं मिलता है बड़े पर्दे पर आने पर। तो मैं चाहता हूँ कि एक आम पब्लिक के बीच जाकर उन बच्चों को उठाऊँ और उनको वो स्टेज प्रदान करूँ जिसके वो हकदार हैं। अभी जैसे आपने बाहुबली देखा कॉन्सर्ट, बिल्कुल कॉन्सर्ट वही पुराना था, क्योंकि 100 ईयर्स में जो आपका आप कहते हैं कि एक सिनेमा का रिवेन्यू होता है, वही रिवेन्यू में लेके आया हूँ कि पुराने समय में जो आपका एक गुरुकुल होता था, गुरुकुल के अंदर तरह तरह के अध्ययन और तरह तरह की विद्याएं होती थी, उस विद्याओं को मतलब बताया जाता था। उस विद्याओं के अंतर्गत उस समय की विद्या और अभी की विद्या में काफी अंतर हो गया, मॉडर्नाइजेशन आ गया है, लेकिन संस्कृति और सभ्यता वही पुरानी हम फॉलो कर रहे हैं। चाहे आप युगा का उदाहरण ले सकते हैं जो अभी ट्रेड में चला, लेकिन है बहुत पुराना, जो पुराने आविष्कार हो चुके हैं हमारे, और अभी जो आविष्कार हैं वो उनको अपना नाम दे दिया, उनको एक मॉडिफाई कर दिया, लेकिन वो आविष्कार पुराने हो चुके, तो वही उन चीज़ों को भुना के हल्का सा इसमें बॉलीवुड का मिक्स मसा मिला के मैं इस चीज़ को जनता के और दर्शक के सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। ओके, थैंक यू।